अदा मुबारक हो। एंड ये वीडियो थोड़ी लेट जाएगी बट इट्स ओके, मैंने विश कर दिया। एंड आज मैं गेट रेडी विथ मी शूट किया है एंड ये लुक अचीव की हूँ। एंड मैं जो आई मेकअप की हूँ वो ग्राफिक आई लाइनर लगाया है एंड मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। एंड जो मेरा ड्रेस पहना है वो क्रॉप टॉप है, बहुत खूबसूरत सा इसकी टॉप जो है बहुत खूबसूरत सा है, आप देख सकते हो। मिरर वर्क दी हुई है एंड मैंने इयररिंग इसी की मैचिंग से पहनी हुई है और ये इयररिंग बहुत प्यारी है। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड मैंने मेहंदी भी लगाया है बकरीद के लिए बट फ्रंट पे नहीं लगाया एंड इस साइड लगाया है एंड बैंगल्स पहनी हुई है, देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये लुक क्रिएट हुआ है। अगर आपको ये लुक देखनी है तो आपको वीडियो पर जाकर देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये लुक अच्छी लगी तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और वहाँ पे एक छोटी सी बेल आइकन है उसे भी हिट कर दे ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना कर सको। मैंने मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा लिया है, देन मैं इसके बाद प्राइमर अप्लाई करूंगी अपने फेस पे और मैं NYBA की प्राइमर अप्लाई करूंगी। देन मैंने अच्छे तरीके से प्राइमर अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं पॉन्स की बेबी क्रीम लूंगी और डे टाइम मेकअप में कर रही हूँ तो मैं ज्यादा अप्लाई नहीं करूंगी, इसलिए मैं लाइट वेट बेबी क्रीम ले रही हूँ। एंड आप फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हो बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। एंड देन मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूंगी। देन मैं कंसीलर के लिए वेट एंड वाइल्ड की कंसीलर ले रही हूँ और ये कंसीलर बहुत लाइट है, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो और ये आपकी जितनी भी डार्कनेस प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन है वो हाइड कर देती है इजीली। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन अपनी बीवी क्रीम को सेट करने के लिए मैं कलर सेंस की पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर लूंगी एंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ऑल ओवर फेस पे पाउडर अप्लाई करूंगी, कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड नेक पे भी अप्लाई करूंगी। देन मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैं वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर ले रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा आई मेकअप नहीं करना चाहती हूँ, बहुत सेटल रखना चाहती हूँ अपनी आई मेकअप क्योंकि डे टाइम है, कहीं जाना वैसे है नहीं, इसलिए मैं आई मेकअप बहुत सेटल रख रही हूँ। एंड मैं आईलाइनर के लिए ग्रीन कलर की आईलाइनर ले रही हूँ, बॉटल ग्रीन, और ये रियल डक की आईलाइनर है। एंड देन मैं इससे एक ग्राफिक आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। देन आप देख सकते हो जहाँ मेरी क्रीज लाइन बनती है मैंने वहां तक ड्रॉ किया है हाफ। एंड मैंने आईलाइनर थोड़ी थिक आईलाइनर ड्रॉ किया है और ये बहुत खूबसूरत सा लुक आ रहा है। एंड मेरी आई मेकअप डन है। देन इसके बाद मैं काजल अप्लाई करूंगी, आप चाहो तो वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो एंड ब्लैक, मैं ब्लैक अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे फेस में वाइट काजल अच्छी नहीं लगती है। मैं सिंपल राउंड ब्रश से बॉटल ग्रीन कलर जो मेरी ड्रेस की है उसे मैं पिक करूंगी एंड देन लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूंगी। देन इसके बाद मैं ADS की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और इससे मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूंगी।
देन मैं एमिन की 6 कलर ब्लशर ले रही हूँ एंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं लाइट पिंक कलर अप्लाई करूंगी। फिर मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ फेस। फिर मैं हाइलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर ले रही हूँ। जितनी भी मेरे हाइलाइट्स पॉइंट है मैं उसे हाईलाइट कर लूंगी। दिन मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी तो मैं मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ एंड मैं फेक आईलैश भी आज नहीं लगाने वाली। मैं 4 to 5 कोट अच्छे से अप्लाई करूंगी क्योंकि मैंने आईलैश नहीं लगाया है। मैं लिप लाइनर के लिए हिलरी हुडा के लिए लाइनर ले रही हूँ और मेरी जो शेड है वो शेड नंबर 0L19 डार्क पिंक है। देन मैं हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और जो मेरी शेड नंबर है वो 018 है और ये न्यूड शेड है। देन मुझे ये शेड अपने लिप पे अच्छी नहीं लग रही है। देन मैं किस ब्यूटी की मैट मी अल्ट्रा स्मूथ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और जो मेरी शेड नंबर दी हुई है वो 08 ब्राउन है और ये मुझे डैमेज मिली थी बट कोई बात नहीं मैं दूसरी वाली से ब्रश से लगा लूंगी। देन मैं इसी के ऊपर जस्ट अप्लाई कर रही हूँ।